न्यू बिजली कनेक्शन अप्लाई करने के बाद उसका स्टेटस कैसे चेक करें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जब आप न्यू बिजली कनेक्शन अप्लाई ऑनलाइन कर देते हैं तो उसके बाद स्टेटस कैसे चेक करें। मैं हूं किशन और आप देख रहे हैं डीजी किशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल में एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। मैं चलाता हूँ क्रोम, तो मैं कर लूँगा क्रोम ओपन। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, इसमें हम टाइप करेंगे हर घर बिजली। उसके बाद करेंगे दोस्तों इसे इंटर। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर चलेंगे BSP HCL ई कॉर्नर, इस पर कर देंगे हम इंटर। इंटर करने के बाद दोस्त लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आता होगा कस्टमर एक्टिविटीज, जिसे हम कर देंगे ओपन। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा नए विद्युत संबंध हेतु आवेदन। अगर आप जब नए विद्युत कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर चलेंगे अपने नए विद्युत संबंधित आवेदन की स्थिति जाने, इसे कर देंगे हम ओपन। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डाल देंगे इंटर रिक्वेस्ट नंबर, जो कि आपका निवेदन संख्या होगा। फ्रेंड्स, आप जहाँ बिजली कनेक्शन ऑनलाइन करवाया है किसी साइबर कैप में तो वहाँ भी आपको दिया होगा, नहीं तो आप जो मोबाइल नंबर इसमें दर्ज किए होंगे उस पर आपका एक मैसेज आया होगा जिस पर लिखा होगा आपका निवेदन संख्या, तो वो निवेदन संख्या यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। इसके बाद कर देंगे व्यू स्टेटस। तो फ्रेंड्स, मैंने एक ऑनलाइन अप्लाई किया था जिसका अभी आवेदन जमा किया गया है। उसके बाद अगला इसका प्रोसेस होगा आवेदन की जांच प्रमंडल कार्यालय द्वारा किया गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा दस्तावेज की जांच होगी। उसके बाद बकाया राशि की जांच। अगर फ्रेंड्स, इसमें अगर कोई से पहले हम बिजली कनेक्शन ले चुके हैं इस नाम से तो वहाँ पर बकाया राशि की जाँच होगी। फिर उसके बाद होगा तकनीकी फिजिबिलिटी। उसके बाद होगा परिसर में मीटर की स्थापना। आपके जहां अप्लाई किए हैं जिस जगह के लिए मीटर की स्थापना कर दी जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स होगा मीटर स्थापना को अनुमोदित किया जाएगा। उसके बाद उसे चालू कर दिया जाएगा। उसके बाद आवेदन की नियमित चक्र में जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपका कनेक्शन चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम अपना स्टेटस चेक करते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।